पीएम मोदी ने शनिवार शाम को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और तेजी से बदलती दुनिया में भारत को भी तेजी से बदलना होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें पहले की कमियों को दूर किया गया है। पीएम मोदी ने और क्या कहा, सुनिए। ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। एक समय पर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। 5 जुलाई 2016 को उन्हें उच्च सदन के लिए चुना गया था। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई थी। हालांकि बीमार होने से पहले तक उनकी करीबियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थी। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के साथ हुई थी। इससे पहले वे 2002 से 2008 में भी राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। एक समय मुलायम सिंह यादव के खास कहे जाने वाले अमर सिंह साल 2017 के पहले से ही किनारे लगने लगे थे। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के झगड़े में अखिलेश ने अमर सिंह को विलन माना। कई बार तो अखिलेश ने खुलेआम अमर सिंह की आलोचना की। बाद में अमर सिंह भी बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आने लगे। उन्होंने आरएसएस से जुड़े संगठन को अपनी पूरी संपत्ति दान करने का भी ऐलान किया था। कोरोना काल में हर दिन भारतीय रेलवे कोई ना कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बात भले ही कोरोना से लड़ने के लिए आपातकालीन कोच बनाने की हो या फिर रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए LHB कोच बनाने की, हर मामले में रेलवे अपना लोहा मनवा रही है। एक बार फिर से रेलवे ने LHB कोच बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस साल जुलाई महीने में कुल 151 LHB कोच बनाए हैं, जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। इस बार LHB कोच का उत्पादन पिछले साल यानी जुलाई 2019 की तुलना में करीब 3 गुना है।
इतना ही नहीं, 2002 में LHB कोच का प्रोडक्शन शुरू होने से अब तक एक महीने में हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। ये कोच यात्रियों को अधिक सुरक्षा के साथ साथ आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के मकसद से बनाए जा रहे हैं। LHB कोच को सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे डिजाइन किया गया होता है कि हादसे में कम से कम नुकसान हो, साथ ही ट्रेन काफी तेज भी चलेगी तो भी कोई झटका महसूस नहीं होगा। रेलवे ने इन कोच को यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इस्तेमाल तो करना शुरू किया, लेकिन साथ ही अब रेलवे की कोशिश है कि इसे और बेहतर किया जाए, न सिर्फ यात्रियों के लिहाज से बल्कि रेलवे और कमाई के लिहाज से भी। तभी तो तकनीकी बदलाव के साथ साथ अन्य जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं जिससे रेलवे की कमाई बढ़ेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर नीति बन सके उसके लिए मंथली सीरो सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच यह सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक अगले 5 दिनों में 15,000 सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले सर्वे में 24% लोग पॉजिटिव आए थे। यह बहुत टेक्निकल प्रोसेस होता है लेकिन पूरी राजधानी में होगा। सभी CDMO को अपने जिले में सर्वे कराने का काम सौंपा जाएगा। इसके अलावा रैंडम लोगों का एंटीबॉडी के लिए टेस्ट भी किया जाएगा। मंथली सर्वे में वही प्रोटोकॉल फॉलो होगा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पहले सर्वे में किया गया था। ब्लड सैंपल के एंटीबॉडी टेस्ट से शरीर में एंटीबॉडीज का पता चलता है जो बताती है कि आप वायरस के शिकार हुए थे या नहीं। एंटीबॉडीज दरअसल वे प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। यह इन्फेक्शन के 14 दिन बाद शरीर में मिलने लगती है और महीनों तक ब्लड सीरम में रहती है। दिल्ली में पहले सीरो सर्वे के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बनाई कोविड कवच एलिसा किट्स इस्तेमाल की गई थी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि सीरो सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं उससे पता चलता है कि दिल्ली की लगभग 25% आबादी कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में अभी भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। जैन ने कहा कि जब समुदाय में 40-70% लोग इस बीमारी से ठीक हों तब हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी बनने पर नए केस आना बंद हो जाएंगे लेकिन अभी नए केस आ रहे हैं। राजस्थान के सियासी घमासान में रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। वहीं इस दौरान आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। शनिवार को जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा खेल कर रही है। इस बार बीजेपी का खेल बहुत बड़ा है पोस्ट ट्रेडिंग का, क्योंकि खून उनके मुंह लग चुका है कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए वो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम की तरह भी वहां पर है, हमें मालूम है। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। विचारधारा राहुल गांधी ने कहा था एक बार गुजरात के अंदर, RSS की बीजेपी की रहेगी देश के अंदर, हमें ऐतराज भी नहीं है। लड़ाई होती है लोकतंत्र में विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की होती है। लड़ाई ये नहीं होती चुनी सरकार का बर्बाद कर दो, वो टॉपल कर दो, फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत किसी खिलाफ नहीं। मोदी जी को चाहिए प्राइम मिनिस्टर है वो, दो बार उनको मौका दिया जनता ने, थाली भरवाई, ताली भरवाई, बैल भरवाए, मोमबत्ती लगवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा राजस्थान के अंदर उसको बंद करवा। हॉस्ट ट्रेडिंग रेट बढ़ गई है, जैसी डिक्लेयर हुआ चुनाव, चुनाव किया विधानसभा सत्र और रेट बढ़ा दिया उन्होंने। आप बताइए क्या तमाशा हो रहा है।